ओलावृष्टि से हर एक फसल का, जैसे टमाटर है, बीन है और शिमला मिर्च है, सबका बुरी तरह नुकसान हुआ। और सरकार जो है थोड़ा ध्यान दे इसके लिए, क्योंकि अब टमाटर के लिए भी लेट हो जाएगी और शिमला मिर्च भी दोबारा नहीं लग पाएगी, ताकि लोगों को कुछ सहायता मिले। पटवारियों को आदेश किए जाए कि ताकि वो उसका मायना करें और जिम्मेदारों की मदद करें। जैसे ब्रोकली थी, बीन थी, टमाटर था, वो बदरी से सारा उसमें पत्ते सारे निकल गए। ये जो हाइब्रिड बीज है ये दोबारा होता नहीं, लोकल टमाटर था वो दोबारा हो जाता था, तो इसकी इसमें आदमी नहीं सोचता कि दोबारा ये फसल हो जाए, या तो इसको दोबारा लगाया जाए, पर कब को लगेगा अब दोबारा, अब तो समय भी नहीं है, अब तो टमाटर चलने का टाइम आ गया। तो ये सरकार थोड़ा ध्यान दे और जिम्मेदारों की मदद करे। ये कल शाम को जी 5:30 बजे ओलावृष्टि हुई, जिससे टमाटर, बीन, शिमला मिर्च और ब्रोकली, गोभी कुछ नहीं बचा, किसान का टोटल लॉस हो गया है, खेत में एक भी नया पैसा आने की उम्मीद नहीं है और टोटल लॉस हो गया है। उसका मैंने पटवारी को भी कन्वे कर दिया है, तहसीलदार को भी कर दूंगा और बाकी प्रशासन से भी ये आग्रह है कि जिम्मेदारों को कुछ ना कुछ तो इसकी राहत अवश्य मिलनी चाहिए। कुछ ने टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए, गोभी बिल्कुल ख़त्म हो गई, बीन बिल्कुल ख़त्म हो गई, शिमला मिर्च बिल्कुल ख़त्म हो गई है, टोटल लॉस थी। दवाइयों का तो कर्जा है किसानों के ऊपर, कर्जा लेकर दवाई स्प्रे सब कर्जा लेकर के जी कर्ज के नीचे दब गए, किसानों के बुरे हाल हैं। हम करते हैं जी सरकार से कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए इसकी एवज में, इसका निरीक्षण करें और इसको एवज में कुछ ना कुछ किसानों को अवश्य दिलाएं।